हेलो एवरीवन, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और कौन से देश आसान भुगतान के लिए रुपए और मीर कार्ड तलाशने पर सहमत हुए हैं? तो अभी भारत और रूस ने रुपए और मीर कार्ड तलाशने पर सहमति जताई है। बात चली है रूस की, तो देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रूस ने अभी अपना हाल ही में खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक देश बना है। रूस भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान जो साइक्लोन मोचा नाम दिया गया है, इसे तो मोचा नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो अभी यमन के द्वारा जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी एरिया में साइक्लोन उठ रहा है उसका नाम मोचा रखा है यमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, हाल ही में कहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इसने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद में प्रथम पुरस्कार जीता है। पश्चिम बंगाल से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे हम अभी। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है। पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो अभी हाल ही में जूम को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम, हाल ही में मैरिको ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में सौगत गुप्ता को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है मैरिको के। नियुक्ति से बात चली है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां देखेंगे। एमसीसी का अगला अध्यक्ष मार्क निकोलस को चुना गया है। एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अजय विज को बनाया गया है। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन ने पदभार संभाला है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में टी एस शिवगणानम नियुक्त किए गए हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष ए के मोहंती बने हैं। साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष पंकज सिंह को चुना गया है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम, हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत और इसराइल ने इस औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है भारत और इसराइल ने। इसराइल की बात चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो भी हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। इसराइल ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इसराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने यह अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए जो विशेष कार्यक्रम की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने यह कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है। आरबीआई ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
हाल ही में भारतीय सेना ने कहां बुलंद भारत अभ्यास आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। तो देखेंगे अभी अरुणाचल प्रदेश में और अभी क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में ये घटनाएं हुई हैं जो करंट अफेयर्स में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए चाणक्य आईएएस एकेडमी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।